हापुड़ जिले में शादी के अगले दिन ही दुल्हन लाखों के गहने लेकर हुई फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूँ आपके साथ आस्था त्यागी। शादी के बहाने भोले भाले लोगों को फंसाने वाला गिरोह सक्रिय है। ऐसा ही एक मामला पिलखवा थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें एक दुल्हन शादी के अगले दिन लाखों रुपये की कीमत के गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित का आरोप है कि इस गिरोह का संचालन रुद्रपुर और गढ़मुक्तेश्वर से किया जाता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि गत 6 जून को उसकी मुलाकात गढ़मुक्तेश्वर निवासी सुरेश शर्मा से हुई। उसने पीड़ित से उसके पुत्र की शादी कराने की बात कही और सुरेश और उसके परिवार को लेकर रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पहुँचा, जहाँ उनकी मुलाकात लक्ष्मण शर्मा नामक व्यक्ति से कराई गई। लक्ष्मण शर्मा ने पीड़ित परिवार को एक युवती दिखाई जिसकी उम्र 20 से 22 साल थी। युवती का नाम रेखा बताया गया। शादी कराने की बात कहकर आरोपियों ने पीड़ित से 80,000 रुपये ले लिए। इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसके बेटे की युवती के साथ शादी करा दी गई। गत 9 जून को पीड़ित परिवार दुल्हन को लेकर गाँव आ गया। अगले दिन गत 10 जून की सुबह दुल्हन को घर में ना देखकर परिवार के सदस्य दंग रह गए। आरोप है कि दुल्हन लगभग 5 लाख रुपए की कीमत के गहने लेकर फरार है। तलाश के दौरान दुल्हन का सुराग न लगने पर पीड़ित परिवार रुद्रपुर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि आरोपी लक्ष्मण और सुरेश के पास बरेली निवासी एक युवती है, जिसकी खूबसूरती के बल पर आरोपी शादी का झांसा देकर लोगों को फंसाते हैं और मौका पाकर युवती गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती है। सीओ वरुण मिश्रा का कहना है कि मामले में युवती सहित तीनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरोह का खुलासा किया जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।